हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। अपने दावे से उल्टा WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला, चीन ने नहीं दी थी इस महामारी की जानकारी। जी हाँ दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO चीन और इस महामारी के मामले में अपने ही दावे से अब पीछे हट गया है। इस महामारी के सामने आने के बाद WHO ने बताया था कि चीन सरकार ने महामारी फैलने की जानकारी UN को दे दी थी, लेकिन अब WHO ने अपने ही दावे को नकार दिया है। अमेरिकी साप्ताहिक पत्रिका वाशिंगटन एग्जामिनर के मुताबिक WHO ने अपनी वेबसाइट से वह सूचना हटा ली है जिसमें चीन की तरफ से वुहान में इस महामारी के मामलों का जिक्र किया गया था। खबर के मुताबिक साइट पर टाइमलाइन ऑफ WHO's रेस्पॉन्स टू COVID-19 को चुपचाप अपडेट कर दिया गया है। उसकी जगह पर इस महामारी पर अंतरराष्ट्रीय मामलों की कमेटी की आंतरिक रिपोर्ट दे दी गई है जिसमें लिखा है कि लाखों लोगों के बीमार होने के बावजूद चीन ने वुहान में फैली इस महामारी की जानकारी WHO को नहीं दी थी। इसके बाद में दोस्तों, अगली बड़ी खबर, देश में चीन पाकिस्तान से नहीं आएंगे बिजली सप्लाई और नेटवर्क उपकरण, सरकार ने लगाया प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, बिजली मंत्रालय ने चीन से बिजली सप्लाई और नेटवर्क के उपकरणों के आयात पर पूरी तरह रोक लगा दी है। मंत्रालय ने सुरक्षा खतरे और साइबर हमलों का हवाला देकर दूसरे देशों से इनके आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्रालय के अनुसार जिन देशों से सामान आयात करने पर सरकार से मंजूरी लेनी होती है उनमें अब पाकिस्तान और चीन को भी शामिल कर लिया गया है। यानी कि दोस्तों, अब चीन और पाकिस्तान से बिजली सप्लाई और नेटवर्क के उपकरणों के आयात के लिए सरकार से इजाजत लेनी ही होगी। अगर सरकार मना कर देती है तो वहां से आयात नहीं कर सकते। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत 71,000 करोड़ रुपए के बिजली उपकरण आयात करता है जिसमें 21,000 करोड़ के उपकरण चीन से आते हैं। इसके बाद में दोस्तों, अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, भारत से प्यार करता है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के 254वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि अमेरिका भारत से प्यार करता है। अमेरिका में 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अमेरिका इस दिन 1776 में ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी के घोषणा पत्र के प्रकाशन का जश्न मनाता है। अमेरिका में इस दिन राष्ट्रीय अवकाश भी होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को ट्रंप और अमेरिकी नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया। मोदी जी ने ट्वीट किया कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लोगों को देश के 244वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बधाई देता हूं। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने रीट्वीट किया, धन्यवाद मेरे मित्र, अमेरिका भारत से प्यार करता है। दोस्तों, भारत और चाइना के बीच में चल रहे इस क्राइसिस के बीच में अमेरिका के साथ भारत की यह दोस्ती काफी काम आएगी। इसके बाद में दोस्तों, अगली बड़ी खबर, विज्ञान मंत्रालय ने ICMR के दावे को काटा, कहा इस महामारी की वैक्सीन 2021 से पहले आने की कोई संभावना नहीं है। जी हां दोस्तों, भारत बायोटेक के इस महामारी वैक्सीन को 15 अगस्त तक लॉन्च किए जाने के दावे के बीच विज्ञान मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी वैक्सीन 2021 से पहले उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने रविवार को कहा कि दुनिया में तैयार हो रहे 140 वैक्सीन में से 11 ह्यूमन ट्रायल फेज में पहुंच चुके हैं, लेकिन यह संभावना नहीं है कि उनमें से कोई भी अगले साल से पहले बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए तैयार हो जाए। ह्यूमन ट्रायल फेज तक पहुंचे 11 वैक्सीन में से 2 भारतीय हैं। पहला ICMR के सहयोग से भारत बायोटेक ने तैयार किया है तो दूसरा जायडस कैंडिला ने विकसित किया है। इन्हें मानव परीक्षण के लिए मंजूरी मिल गई है, लेकिन 2021 से पहले यह उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। इससे पहले दोस्तों, खबर फैल रही थी कि 15 अगस्त तक यह वैक्सीन लॉन्च हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों, अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी के कितने केस अब तक सामने आ चुके हैं और कितने लोगों की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों, पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के लगभग 1,12,00,000 से ज्यादा लोग पीड़ित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 5,28,000 को पार कर गया है। दोस्तों, इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में अमेरिका का नाम अव्वल आता है। अमेरिका में 28
186,000 से ज्यादा इस वक्त मरीज मौजूद हैं, जिनमें से 131,000 से ज्यादा की जान चली गई। इसके बाद में दोस्तों ब्राजील का नंबर आता है, जहां पर लगभग 16 लाख के करीबन मरीज है और 64,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इसके बाद में रशिया, इंडिया, पेरू, चिली, यूनाइटेड किंगडम, मैक्सिको, स्पेन आदि देशों का नंबर आता है। अब दोस्तों जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। लेकिन दोस्तों जाने भारत की स्थिति, उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक लगभग 6,90,000 से ज्यादा मरीज हो गए हैं, और साथ ही दोस्तों मरने वालों का आंकड़ा भी लगभग 20,000 के पास पहुंच चुका है। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली का नंबर सबसे ऊपर आता है। महाराष्ट्र में जहां 2 लाख है, वहीं तमिलनाडु में 1,11,000 और दिल्ली में 99,000 से ज्यादा मरीज हैं। इन सबके बाद में दोस्तों गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों का नंबर आता है। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में निवास करते हैं, क्या आपके शहर में इस बीमारी पर काबू पा लिया गया है या नहीं, या कितने मरीज हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात, करीब आधे घंटे हुई बातचीत। जी हां दोस्तों, लद्दाख से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में करीब आधे घंटे तक मुलाकात चली। दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बातचीत की। राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। राष्ट्रपति भवन ने बैठक के बाद ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व से जुड़े मुद्दों से जुड़ी जानकारियां दी। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब और राजस्थान में कैंसिल हुए यूनिवर्सिटी एग्जाम, अगली क्लास में प्रमोट होंगे स्टूडेंट्स। जी हां दोस्तों, फैल रही महामारी के बढ़ते असर को देखते हुए पंजाब और राजस्थान सरकार ने अपने अपने यहां यूनिवर्सिटी और कॉलेज एग्जाम्स नहीं कराने का फैसला लिया है। दोनों राज्यों की सरकारों ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को बिना एग्जाम के ही अगली क्लास में प्रमोट करने की बात कही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने साप्ताहिक कार्यक्रम में फेसबुक के लाइव सेशन में इसका ऐलान किया। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में पहले ही यह ऐलान कर दिया गया था। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में सैलून के बाद अब खुलेंगे होटल और रेस्तरा, जल्द जारी होगी एसओपी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सैलून के बाद अब जल्द ही होटल भी खुलने वाले हैं। राज्य में होटल कब खुलेंगे, राज्य सरकार की ओर से जल्द ही इसकी जानकारी साझा कर दी जाएगी और इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीड्यूर भी जारी कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को राज्य के होटल मालिकों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने रविवार को कहा कि राज्य में होटल एवं रेस्तरां फिर से खोले जाने के बारे में निर्णय मानक संचालन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने के बाद लिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, वेदर फोरकास्ट लाइव, मुंबई में भारी बारिश से जलभराव, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, जानिए क्या है देश का हाल। जी हां दोस्तों, भारत के मैदानी हिस्सों में मानसून ने तेजी पकड़ी है। मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक पश्चिम मध्य और बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से देश के ज्यादातर हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि अगले 4 से 5 दिनों में मध्य और उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मुंबई पूरी तरह मानसून की चपेट में आ गया है। मुंबई के ज्यादातर इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज सुबह कुछ देर के लिए बारिश रुकी, लेकिन चंद घंटे में ही बारिश ने फिर रफ्तार पकड़ ली। दोस्तों चेंबूर और अंधेरी के कई इलाकों में जलभराव हो गया। जलभराव की वजह से खेर सबवे को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। मौसम विज्ञान विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही है, जिनकी ऊंचाई लगभग 4.7 मीटर तक है। मुंबई के अलावा दोस्तों कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, मध्य भारत प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, आज मिली थोड़ी राहत। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
आज कंपनी ने थोड़ी राहत दी है। दोस्तों पिछले महीने 21 दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10-10 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी गई थी। वैसे दोस्तों बात की जाए आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों की, तो दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 80 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर रही है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। एयर इंडिया ने अमेरिका के लिए फ्लाइटें चलाने का कर दिया ऐलान, 6 जुलाई से होंगी टिकटों की बुकिंग। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया ने वंदे भारत मिशन के तहत 11 से 19 जुलाई 2020 तक अमेरिका के लिए फ्लाइटें चलाने का ऐलान कर दिया है। भारत और अमेरिका के बीच कुल 36 फ्लाइटें चलाई जाएंगी। इन फ्लाइटों के चलाए जाने से इस महामारी के चलते अमेरिका में फंसे भारतीय अपने देश वापस आ सकेंगे, वहीं भारत में फंसे लोग भी अमेरिका जा सकेंगे। एयर इंडिया की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अमेरिका के लिए चलाई जा रही इन फ्लाइटों की टिकटों की बुकिंग सिर्फ एयर इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट या फिर एयर इंडिया के बुकिंग ऑफिसर्स के द्वारा ही की जा सकेगी। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, 24 घंटे में देश में तीसरी बार भूकंप के झटके, लद्दाख गुजरात मिजोरम में कांपी धरती। जी हां दोस्तों, उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम में रविवार शाम को भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.6 मापी गई। भूकंप चिम्फाई से दक्षिण पश्चिमी में 25 किलोमीटर पर था। मिजोरम में भूकंप आने के कुछ देर पहले ही गुजरात के कच्छ में 4.2 तीव्रता वाले भूकंप के झटके लगे। इस भूकंप का केंद्र भचाऊ के पास था। वहीं आज तड़के कारगिल में 4.7 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोस्तों आपकी इस जानकारी के लिए बता दें, पिछले 2 से 3 हफ्तों से मिजोरम में कई बार लोगों को भूकंप के झटके महसूस हो चुके हैं। इससे पहले मिजोरम के चम्फाई जिले में शुक्रवार दोपहर भी 4.6 की तीव्रता वाला भूकंप आया। पिछले 15 दिनों में राज्य में यह 6ठा भूकंप था, अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। दोस्तों राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप दोपहर करीब 2:35 पर आया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले करीब 3 महीने से देश भर के अलग अलग हिस्सों में मध्यम या उससे कम तीव्रता के भूकंप आ रहे हैं। अब तक दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ आदि कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोस्तों इतनी जल्दी जल्दी आ रहे इन भूकंप के झटकों ने वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिर फूटा ड्रैगन पर ट्रंप का गुस्सा, कहा चीन ने दिया सबको धोखा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन के चुप्पी साधने, धोखाधड़ी करने और पर्दा डालने की वजह से दुनिया भर में इस महामारी का प्रसार हुआ है, जिसके लिए उसकी पूरी तरह जवाबदेही तय की जानी चाहिए। अमेरिका के 254वें स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को कई दिन बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए ट्रंप ने देश में इस महामारी के मामलों में लगातार वृद्धि के बावजूद इस महामारी के खिलाफ देश की प्रगति का बखान किया। उन्होंने व्हाइट हाउस के प्रांगण से अपने संबोधन में कहा कि हमने वेंटिलेटरों के निर्माण का रिकॉर्ड बनाया है। हमारे यहाँ दूसरे देशों के मुकाबले जांच की सबसे अच्छी सुविधा है। हम अपने देश में गाउन, मास्क और सर्जिकल उपकरण बना रहे हैं। उन्होंने महामारी के फैलने पर पर्दा डालने के लिए एक बार फिर बीजिंग पर आरोप लगाते हुए कहा कि चीन के चुप्पी साधने, धोखाधड़ी करने और पर्दा डालने की वजह से दुनिया भर में यह महामारी का प्रसार हुआ है, जिसके लिए उसे पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ दिन पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पूरी दुनिया में इस महामारी के प्रसार के लिए चीन पर इस वायरस को फैलाने के लिए उनका गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ट्रंप का यह बयान तब आया है जब पहले ही वाशिंगटन भारत में चीनी एप्स पर बैन के फैसले का स्वागत कर चुका है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस से जुड़े 40 वेबसाइटों पर सख्त कार्यवाही करेगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने लगा दिया है बैन भी। जी हां दोस्तों, सरकार ने गैर कानूनी समूह सिख फॉर जस्टिस से संबंधित 40 वेबसाइटों को प्रतिबंधित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। अमेरिका का सिख फॉर जस्टिस समूह दरअसल खालिस्तान का समर्थन करता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यूपीए 1967 के अंतर्गत सिख फॉर जस्टिस एक गैर कानूनी संगठन है, जिसने अपने फायदे के लिए समर्थकों को जुटाने के मकसद से एक अभियान शुरू किया था। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69 के अधीन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े 40 वेबसाइटों को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी कर दिया है।
इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन का समर्थन कर अपने ही मुल्क में घिरे इमरान खान, विदेश विभाग ने दे दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, चीन से दोस्ती अमेरिका के प्रधानमंत्री इमरान खान को महंगी पड़ने लगी है, वह अपने ही देश में घिर गए हैं। चीन के समर्थन को लेकर पाकिस्तान के विदेश विभाग ने इमरान खान को चेतावनी दी है। विदेश विभाग ने कहा है कि अगर पाकिस्तान चीन का समर्थन करना नहीं छोड़ता है तो उसे वैश्विक स्तर पर अलगाव का सामना करना पड़ेगा। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक विदेश विभाग ने कहा कि भारत में तनातनी और इस महामारी के कारण चीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का सामना कर रहा है। अगर पाकिस्तान चीन के साथ अपनी नीतियों की समीक्षा नहीं करता है तो वह विश्व की आर्थिक शक्तियों के गुस्से को भड़काएगा। ये शक्तियां भारत के साथ टकराव के दौरान चीन को विश्व स्तर पर अलग थलग करने के लिए काम कर रही है। चीन का आंख मूंद कर समर्थन कर रहे पाकिस्तान को झटका तब लगा जब यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन ने पाकिस्तानी एयरलाइंस के विमानों को उड़ान भरने के लिए बैन कर दिया। पाकिस्तान ने यूरोपीय देशों को यह समझाने का प्रयास किया कि उसके पास पायलट योग्य हैं, लेकिन फैसले पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज का माइंड क्विज क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शीतकाल यानी कि सर्दियों के समय में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि शीतकाल में भारत में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।